क्या सिर्फ 10 दिन में बॉडी बनाना पॉसिबल है? चलो पता करते हैं। तो इन 10 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के लिए हम करने वाले हैं 300 से लेके 500 मैक्सिमम पुशअप्स। और ये पुशअप्स कोई नॉर्मल नहीं होंगे, इसमें होंगे बहुत सारे वेरिएशंस। 150 हो गया ऑलमोस्ट, अब बचे और 150, लेट्स गो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ अंदर रख। इतना इजी तो नहीं होने वाला है, और इसमें और इंटेंस करना है हम लोग को आगे। ये तो सिर्फ पहला दिन है अभी, है ना। फर्स्ट डे पे मज़ा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टेंथ कैसा होगा पता नहीं। तो अभी जो तुमने आवाज़ सुनी और इतना नाचते हुए देखा, आज है गणपति, इसलिए हम लोग आज जिम नहीं गए, बट घर पे हम लोग आज पक्का वापस 300 पुशअप्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब आर्चर पुशअप ट्राई करते हैं और थोड़े से डायमंड पुशअप्स। बस आर्चर पुशअप्स 30 भी कर लो बहुत है, ठीक है, पर हर दिन मैक्सिमम करने का ट्राई करना। सेम विद डायमंड्स 50 ट्राई करना, बिकॉज मिनिमम यू कैन डू इट। और इसी के साथ वर्कआउट एंड, 50 मार लेता हूँ। सी यू टुमारो। तो डे 3 की शुरुआत भी बहुत पावरफुली हमने स्टार्ट की विद आवर 300 पुशअप के गोल के साथ, और मानो या ना मानो हमने 150 पुशअप्स तो बहुत अच्छे से किए, बट उसके बाद बॉडी ने जवाब दे ही दिया था। मेरी तो बाद में वापस हालत हो ही गई थी, फिर भी हमने ट्राई किया कि हम लोग ये 300 पुशअप्स किसी भी तरीके से कंप्लीट करें। बाकी आज तो 300 किए हैं, बट हम लोग नेक्स्ट डे कंफर्म 500 से स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैक्सिमाइज करने का इसको कंप्लीटली ट्राई करेंगे। डे 3 का एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंटेंस हो रहा है, और फाड़ते हैं आके। डे 4 की शुरुआत, चेस्ट बहुत मस्त दुख रहे हैं, आज 400 मारने का ट्राई करेंगे। इससे ज़्यादा मारूंगा, ये 500 मारेगा, ठीक है, देखते रहो। चलो मेरे दोस्त। हाथ पीछे दे। आज 300 से हम लोग 350 पहुंच गए हैं, कल 400 मारना है। आज का कंडीशन बहुत ज़्यादा हैवी था, बिकॉज पहले कल का पेन, परसों का पेन, 3 दिन का पेन, आज चौथा दिन, आज भी पेन। गो हार्ड और गो होम। तो आज है डे 5 और लोकेशन चेंज है, आज 400 या 500 मारने का टारगेट है। तीन सेट में 200, ये वाले नेक्स्ट सेट में कम से कम 250-300 तो क्रॉस करना है। डायमंड पुशअप की कम से कम हमको 30 मारना है, प्रतीक को 30 मारना है, मुझे 50। कमान प्रतीक, कमान मार, कमान, वेरी गुड, यस। 10 डेज के पुशअप में एक और बच्चा नहीं करना, और नहीं बॉडी नहीं बनाना, नहीं बनाना है, बनाना है ना, समीक्षा को फैन करना है ना। हाँ चल जा। अभी ये लास्ट वाला सेट है सबसे, और इसमें हम लोग थोड़ा इंटेंस करेंगे इस तरीके से, जितना इंटेंस होगा उतना अच्छा चेस्ट और बॉडी बनेगी। 10 दिन तो है, लेट्स गो 50 से बस। आज है डे 9, गणपति विसर्जन है, तो आज हम लोग सुबह जिम नहीं गए क्योंकि जिम बंद है। आज घर पे करेंगे 300 पुशअप्स। अब डायमंड पुशअप में भी हम लोग को कम से कम 50-70 मारना है, और इसको जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना करना है। और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सपोर्टिव पुशअप्स, और ये सपोर्टिव पुशअप्स जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे और इंटेंस करने हैं, इससे बहुत ज़्यादा डीप चेस्ट बनेंगे। आज से जितना इंटेंस होगा उतना मज़ा आएगा। और
इंक्लाइन वाला मजा आएगा। ये वाला कुछ ज्यादा प्रेशर पे है क्योंकि पैर बहुत ऊपर है। पैर ऊपर नहीं, मेरा हाइट नहीं पूछ रही। भगवान ने देखो छोटा क्यों बनाया। हाथ में चले। डे 10 इज फाइनली ओवर। इतने दिनों के जितने 300 पुशअप्स मारे हैं हमने, वो उसका रिजल्ट तुम देखोगे अगले वाले क्लिप में। तो इन 10 दिनों में हर दिन 300 पुशअप्स मारने के बाद हमने हमारी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट्स और चेस्ट में कुछ चेंजेस तो ला लिए थे। तुम भी एक ट्राई आउट करके देखना एंड मुझे बताना। और इसी के साथ अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया रहेगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि ये 10 दिन थे। और कमेंट करना कि क्या मैं एक हफ्ते का लेके आऊँ। और लाइक द वीडियो। एक हफ्ते के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल द टाइम लव अप पीस अप। देखो लड़कियां जिम में ऐसे ज्ञान देती है। अरे खेलने को आते हैं, सिर्फ टाइम पास करने को आते हैं, वर्कआउट नहीं करते। इज आल्सो देखो हमारे बंदे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। देखो 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 स्ट्रेचिंग कर रहा नीचे वाला। अरे देखो ये 3, ये इधर 1 और इधर ये 2। टाइम पास करते वर्कआउट वर्कआउट कुछ नहीं। टाइम पास करने का तो सिर्फ फी भरते हैं, टाइम पास करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं करते। इसलिए फीस वेस्ट करने के लिए लेडीज को बोला, लेडीज को जिम बुलाओ।